153 रुपये पर जा रहा हूँ नासिक, तो बिल्कुल झूठ नहीं है, एकदम सच्चाई वाली बात है। तो अगेन आपका स्वागत एक फेस और एक्साइटेड वीडियो पर। अभी टाइम हो चुका है 9:29 और सुबह से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अभी तक मैं नहा नहीं पाया, आज काफ़ी लेट हूँ। इधर काफ़ी बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन साफ करना है, और आज मैं निकल रहा हूँ नासिक अचानक से। तो अभी जाना है नासिक मेरे को, और फिर आज शाम को वापस भी आ जाऊँगा, मतलब आज शाम को नहीं आऊँगा, आज शाम को तो निकलूँगा तो कल पहुँचूँगा वहाँ पर, तो परसों मेरे को वापस, कल शाम को पहुँचूँगा, कल शाम को ही वापस से है बस, वापस आ जाना। अभी चलो बाहर चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए ला लिया जाए। अभी गाइस फटाक से बर्तन धोलता हूँ मैं अपना, और फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाते हैं और कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक। तो गाइस आपको एक चीज़ मैंने बताया नहीं, आज मैंने शॉर्ट्स भी डाला, एक छोटा सा शॉर्ट डाला है मैंने, ट्राई कर रहा हूँ, अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताओ कि शॉर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, डालो तो मैं डालेंगे और डालेंगे और क्या। और गाइस मार्केट भी खुल चुका होगा, बस मार्केट खुल गया, ये मार्केट नहीं शेयर मार्केट, तो उसको भी थोड़ा सा देखते हैं क्या सीन है उसका आज, ठीक है। तो गाइस खटखट की आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था, अभी पानी थोड़ा बंद हुआ है और घड़ी चार्ज हो रही है, तो टाइम हो गया है 4:30 शाम के, सुबह से सीधे अभी। गाइस मैं थोड़ा बाहर चला गया था और मेरी क्लास भी चल रही थी, तो लगातार क्लास अटेंड किया। क्लास अटेंड करने के बाद मेरी मेंटर मीटिंग भी थी एक, तो मेंटर मीटिंग भी अटेंड किया। कॉलेज मेरी चल रही है तो ये बहुत सारे क्लासेस रहती हैं उनकी, तो सब ऑनलाइन, तो आंखों में आपको कालक दिख रही होगी, ये सब ऑनलाइन का कमाल है। बस फिर हो गया, बाहर गया, बाहर से थोड़ा बहुत सामान लेकर आया, सारा सब ताम जाम ओके हो गया, 2.5-3 किलो के आसपास बैग हो गया है, और हाल थोड़ा अभी गंदा है, अभी इसको साफ़ करना था। क्या मैं सामान अंदर रखा कि निकलना है, कल वापस आऊँगा, तो बस वो शूज़ रैक अंदर आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा गंदा दिख रहा, ठीक है बात करेंगे। तो अभी थोड़ी जाते हैं बाहर, एक छोटा सा काम और रह गया है, बिस्किट ले आना भूल गया हूँ मैं भाई, रस्ते में भूख लगेगी, बिस्किट ला के रख लेता हूँ। तो गाइस बस मैं रेडी हो चुका हूँ और थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, अभी तो 5:30 ही हो रहे हैं, बट क्या है कि अभी मैं जाऊँगा बाहर खाना खाऊँगा, पानी बहुत तेज़ गिरने वाला है, बार बार गिरता है, फिर बंद होता है, फिर गिरता है, फिर बंद होता है, तो कहीं मैं भीगना जाऊँ, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है बस स्टॉप जहाँ से बस मुझे मिलेगी, बट अब शाम को खाना बनाऊँ फिर उसके बाद धुलूँ, फिर मतलब इससे अच्छा कि चलो बाहर खा लेते हैं। देन आपको एक मज़ेदार बात, आप जैसे कि आप देख कर आए हो थंबनेल पर कि मैं 153 रुपये पर जा रहा हूँ नासिक, तो बिल्कुल झूठ नहीं है, एकदम सच्चाई वाली बात है ना, वीडियो पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे गया हूँ 153 रुपये पर, है ना, वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, तो गाइस ये आप देख लो और फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। तो गाइस हुआ ऐसा कि पेटीएम पे मुझे प्रोमो कोड दिखाई दे रहा था, तो मैंने लगा दिया, 610 रुपये की बस की टिकट थी यहाँ से, और 43 रुपये कुछ टैक्स था, तो 653 रुपीज़ टोटल हो रहा था टिकट का, देन 500 रुपीज़ कैशबैक आ गए, वाह। तो मैं मात्र 153 रुपये पर जा रहा हूँ यहाँ से नासिक, इंदौर से नासिक 448 किलोमीटर, मेरे घर से एग्जैक्टली 448 किलोमीटर है, यहाँ से वहाँ तक मात्र 153 रुपये पे जा रहा हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, बैठा हूँ यहीं पे बस स्टैंड पे, 7:24 हो गए हैं, तो गाइस बस में आके मैं बैठ चुका हूँ, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो मैं चुपचाप सो जाता हूँ अब, और क्या करूँगा, ठीक है मिलता हूँ सुबह ही आपसे सीधे। तो गाइस ये पहुंच चुका हूँ मैं द्वारिका चौराहे पर, सुबह 5:25 हो रहे हैं, और पानी गिरने वाला इसलिए रेनकोट पहन लिया हूँ, मेरे एक दोस्त से बात हुई है, वो बस आ ही रहे होंगे, तो मुझे स्कूटी से ले चलेंगे आगे। तो हम पंचवटी की गलियों पे घूम रहे हैं, द्वारिका के पास पड़ता है पंचवटी, बस वहीं घूमते हैं और जा रहे हैं थोड़ा त्र्यंबकेश्वर साइड। ये है कहीं एक छोटा सा कोना, मुझे यहाँ पास से बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ, जूम करता हूँ शायद,
ये आप देख सकते हो 4x जूम किया मैंने, नोट 10 प्लस 10x जूम, नाउ यू कैन सी। ये देखो ये पहाड़ दिख रहा है कितना, ये बादल है यहाँ पे, एकदम से बादल टच हो रहे हैं, वापस से नॉर्मल, और ये आ जाते हैं वाइट एंगल पर जिसमें मज़ा आता है मेरे को। तो बहुत ही प्यारा मौसम है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारा। हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं फिर देखो। तो मेरा काम हो गया तो अब मैं जल्दी ही निकलूँगा, बहुत देर यहाँ पे रहूँगा नहीं। यहाँ पे कुछ पीला पीला दिख रहा क्या? नहीं, रिफ्लेक्शन आ रहा। तो अभी देखो, और को जूम करता हूँ, 2x, 4x, 10x, वही सब। वो नासिक का काम ओके हो गया है, थोड़ा श्रीमकेसर आ गया था, 30 किलोमीटर पड़ता है तो आ गया था। अब यहाँ से जाएंगे वापस, और मुझे आते समय एक भैया मिल गए थे तो उनकी स्कूटी से आया हूँ, वापस से पैसे बचाए, तो चलते हैं सीधे आगे। और मुझे अभी की बस मिलेगी तो मैं अभी के अभी इंदौर निकल जाऊंगा। मैं सोचा था घूमूंगा थोड़ा, पर टाइम नहीं मिल पा रहा, और मौसम देख रहे हो है तो बहुत अच्छा, लेकिन इतना पानी गिर रहा था। ये देखो भीग चुका हूँ इस बार अच्छे से, और ये सब देखो पूरा बैग गंदा हो गया। गाइस मैं आ गया हूँ अपने होटल रूम पे। होटल रूम कहना इसके लिए गलत बात है क्योंकि ये रूम है ही नहीं। दिखा देता हूँ छोटा सा रूम टूर, चोरी हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये गेट, ये बेड, ये वॉशरूम एंड ये टीवी, जिसको कोई मतलब नहीं, कोई देखता है नहीं। तो बस एक्चुअली मेरी बस है 7 बजे की, तब तक करूँगा क्या? तो मैं कहा चलो ठीक है। और ये है मात्र 200 रुपये का, तो 200 रुपये खर्च कर दिए हैं इस रूम के लिए। हालांकि लाइट इतनी डिम लग रही है, लग रहा है किसी गांव में आ गया, पर ठीक है 200 रुपये में और क्या मिलेगा, अब क्या दे देगा मेरे को। ठीक, मेरे को तो वैसे भी बस कमर टिकानी है, थोड़ी देर लेटे रहेंगे, हो गया। और शाम के 7 बजे जस्ट इसके अपोजिट साइड पर मेरे को बस मिल जाएगी, बस वहीं से बैठ के निकल जाएंगे, काम खत्म। 5 बज चुके हैं, मैं 1:30 बजे लेटा हूँ, और ऐसी गंदी नींद आई है, ऐसी गंदी नींद आई है। एक्चुअली बस में सोया नहीं था मैं ठीक से, और पीछे खट 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 की ज़्यादा आवाज़ हुई तो मैं उठा नहीं था, मैं मरीज सोता रहता। तो फेस वॉश करते हैं, ये क्या लगा ऐसे, तो वैसे फेस वॉश करते हैं। रूम की लाइट बहुत ही कम है, और ईयरफोन लगाया जस्ट अभी चार्ज में, 5 बज रहे हैं, 7 बजे की बस है तो 5:30 तक निकलेंगे बाहर, कुछ खाएंगे पियेंगे और पानी रखेंगे। पानी ख़त्म हो चुका है मेरा, तीनों बॉटल तो पानी रखेंगे, और देखते हैं कुछ अच्छा खाने के लिए, और आसपास देखेंगे, निकल जाएंगे। मन नहीं पड़ता है यहाँ पे बैठने का, फिर से नींद आ जाएगी। तो बस और मैं निकल चुका हूँ, काफ़ी सस्ती टिकट है ये भी। तो अगर आपको इंदौर से मतलब नासिक से इंदौर, तब ये भैया के यहाँ से टिकट ले सकते हैं, सुलक्ष्मी ट्रेवल्स, भैया ने बहुत हेल्प करी यहाँ पे। और मैं इसके अपोजिट साइड पे वो राधिका करके होटल, वहाँ पर रुका हुआ था। टाइम हो गया है यहाँ पे 8:07, 8:07 हो गए हैं, और बहुत ही अंधेरी भी थी, और एकदम गड़बड़ी आ रही है। तो मैं आपको पहुँचूँगा सुबह 5 बजे इंदौर, उसके बाद जाऊँगा 5 बजे तो यूजली उठ जाता हूँ, पर कल बस में बिल्कुल नींद नहीं आई थी, आज भी मोस्ट प्रॉबली नहीं आएगी, और आज तो खुली हुई बस है नॉन एसी, तो पता नहीं नींद आती है कि नहीं आती है। ठीक है कोई नहीं, सह लेंगे, मिलते हैं इंदौर पे इसी से। और यहाँ पे तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, सो चुका हूँ, 5 बजे मैं घर आ गया था, उसके बाद सो गया था, अभी 9:30 बजे के लगभग उठा हूँ।
तो चलिए थोड़े से खर्चे के बारे में बात कर लें। तो मेरा यहाँ से वहाँ तक जाना 153 रुपये में हो गया था, और नासिक में जितना भी मैं घूमा हूँ तो मैं स्कूटी में था, तो मतलब काम काम ही था वहाँ पे, तो मतलब स्कूटी में ही था भैया के साथ, तो उसमें कोई भी खर्चा लगा नहीं है। उसके बाद लौट कर आया तो खाना खाया हूँ, आई होप आई थिंक सबसे ज़्यादा महंगा मुझे खाना ही पड़ा है, 200 रुपये के आसपास खाना पड़ा है सुबह का, और 200 रुपये का शाम का खाना पड़ा है, तो 400 रुपये खाने में, 153 प्लस 400 हो गया 553 रुपये, और वहाँ से यहाँ आने की टिकट हो गई 500 रुपये की, तो 553 प्लस 500 1,053 रुपये, तो वहाँ से यहाँ आने का किराया 500 रुपये, 1,053 रुपये हो गया टोटल। और भंवर कुआं से यहाँ तक आने में लग गया 72 रुपीज़ ऑटो का, तो 1,125 रुपये, आई होप सही मैथमेटिक्स है, पता नहीं, देख लेना, कैलकुलेट कर लेना। और 200 रुपये वहाँ होटल में रुकने के लग गए थे सोने के लिए, तो 200 रुपये वो भी खर्चा हो गया, तो 1,125 रुपये में मैं इंदौर से नासिक गया, खाया पिया रुका, वहाँ से चला आया। हाँ, वहाँ घूम नहीं पाया, वहाँ बहुत सारी घूमने की जगह है, तो मैं ये प्लान करूँगा कि मैं वहाँ अपनी कार से जाऊँ, जो कि वर्थ इट रहेगा, 3-4 लोग हो जाएंगे तो वैसे भी फ्यूल हो जाएगा। और कार से जाना वहाँ पे ज़्यादा सही इसलिए रहेगा क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहती नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है, और जो वहाँ का मौसम है ना वो कभी भी पानी गिरने वाला रहता है, और बरसात में ही वहाँ घूमने में मज़ा है। तो अपनी कार लेकर जाओ, सबसे अच्छा मेरे हिसाब से लगता है कि सबसे सही तरीका ये है। और अगर आपको बजट में जाना है तो बता दिया मैं फिर भी अगर आप नॉर्मल कंडीशन पे भी जाते हो तो 600-700 रुपये जाने का, 600-700 रुपये आने का, 1,500 रुपये ये मान लो, और अगर अकेले हो आप तो 250-300 से लेकर के 1,200, 1,500, 2,000, 3,000, जितने तक बजट है आपका, आपको रूम मिल जाएगा, तो आप आराम से रह सकते हैं। खाना थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, तो खाना के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे आपको लिंक दिखाई दे रही होगी, डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर दो। और मैंने आपको अपने छोटे से पेज के बारे में बताया था जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करता हूँ जो कि ओपन बॉक्स्ड होते हैं, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो अगर आपको वो चाहिए तो वहाँ से आप मेरे दूसरे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आप इंदौर से हैं तो विद इन वन डे आपको डिलीवरी मिल जाएगी, और बाहर का अभी भी सॉर्ट नहीं हुआ कि कैसे डिलीवरी होगी, तो बाहर का अभी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब कोशिश और कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी अच्छी वीडियो बनाऊँ, और मैंने अपना हेलमेट का सेटअप पूरा बना लिया है, तो पानी गिर रहा है तो आई थिंक मैं बाहर जा नहीं पाऊंगा, मैंने वो वीडियो शूट की है, उसमें बस ये बचा हुआ कि बाहर जाने का वीडियो बनाना था, तो पानी गिर रहा, पानी गिरना बंद ही नहीं हो रहा, तो मतलब आई थिंक नहीं जा पाऊंगा, और अगर जाता हूँ तो मैं वो वाली वीडियो फिर किसी और वीडियो में, आप तो देख ही लोगे, मतलब नॉर्मल मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ अपना, तो वो वीडियो अगली वीडियो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है, तो बस बाय बाय।